गुड मॉर्निंग क्लास 30 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तालाब में जान पार्ट नंबर 4। सो चिल्ड्रन ओपन योर बुक्स। तालाब में जान, आपने तो हमेशा आसमान में जान देखा है, लेकिन यहाँ पर तालाब में जान कहाँ से आ गया? तो ये तो हमको कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो बच्चे शुरू करते हैं अपना पार्ट नंबर 4, तालाब में जान। बंदरों ने तालाब में चमकता चांद देखा, उन्हें चांद को पकड़ने की सूझी। बंदर बहुत नटखट होते हैं। जब उन्होंने पेड़ पर से तालाब में पानी के अंदर चमकता हुआ चांद देखा तो उनके दिमाग में कुछ शरारत सूझी और उन्होंने सोचा कि चलो इस चांद को पकड़ते हैं जो पानी के अंदर है। तो बंदर बोला, अरे देखो तालाब में चांद, चलो पकड़ते हैं। तो एक बंदर चांद पकड़ने को कूदा, पर चांद हाथ नहीं आया। अरे कहाँ गायब हो गया चांद? लगता है मेरे कूदने से डर गया, बंदर बोला। तो अब वो बंदर जब कूदा तो पानी में चांद गायब हो गया। उसने सोचा कि उसके कूदने से चांद को डर लग गया और चांद गायब हो गया। फिर उन्होंने एक योजना बनाई, चलो एक दूसरे का हाथ पकड़कर लटकते हैं और धीरे से पकड़ते हैं चांद को। तो उन्होंने अपना दिमाग चलाया और एक आइडिया बनाया कि एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और धीरे से चांद को पकड़ लेंगे तो चांद उनके पकड़ में आ जाएगा। क्या ऐसा हो सकता था बच्चों, सोचो। चलो आगे देखते हैं कि क्या हुआ। अचानक डाल टूटी। अब जब इतने सारे बंदर एक पतली सी डाल पर लटक जाएंगे तो क्या होगा, चटाक डाल टूट जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी पेड़ की डाल टूट गई और एक बंदर का हाथ छूटा और बंदर मगरमच्छ की पीठ पर गिरे। तालाब के अंदर एक मगरमच्छ था और मगरमच्छ की पीठ पर सारे बंदर ड्राम रूम गिर पड़े। और फिर क्या आवाज आई, भागो रे, एक बंदर बोला। डरो मत, ये किसने बोला होगा, मगरमच्छ ने। मगरमच्छ ने क्या बोला, डरो मत, मेरी पूंछ पकड़ लो, मगरमच्छ बोला। बंदर बोले, मगर अगर, क्योंकि मगर तो सबको खा जाता है। तो बंदरों को डर लगने लगा और वो मगर अगर करके वहां से भागने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।